हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 31 ईयर नीट के यूनिट्स और मेजरमेंट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यूनिट्स और मेजरमेंट के जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 2020 में दो क्वेश्चन आ गया था इस यूनिट से। ठीक है, आप देखो कितना आसान है यार, कितना कम पढ़ के आपको दो क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो जो मेजर टॉपिक है इस यूनिट के, वो चार मेजर टॉपिक, अगर आप उनको कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला मेजर टॉपिक है स्क्रू गॉज, और इससे क्वेश्चन कई बार आया है। एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, और साथ साथ डाइमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये अगर टॉपिक आपके क्लियर है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्क्रू गॉज का है। ठीक है, अगर आप स्क्रू गॉज नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं यार। ठीक है, समझ रहे हो ना, जब आप थियरी ही नहीं पढ़े हो तो आपसे कहाँ होगा। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में, स्कूल और कोचिंग में ये टॉपिक छोड़वा दिया जाता है यार, और क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, चलो तो ये स्क्रू गॉज कहता है लिस्ट काउंट दिया हुआ है। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01। लिस्ट काउंट वो होता है जो किसी भी डिवाइस के लिए, लिस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट होता है। ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट इतना है। और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन वो 50 दिया हुआ। तो पिच का डायरेक्ट फार्मूला होता है, पिच स्क्रू गॉज का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, मतलब 0.5 मीटर, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया सेकंड, मतलब बहुत जल्दी। अगर फार्मूला याद है, सही तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, पढ़ के आया हो, फार्मूला याद है, तो तुम देखो कितना आसानी से कर सकते हो। चार नंबर यहाँ मिल गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहता है टेकिंग इन, अब ये जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर मेजरमेंट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आने चाहिए, साथ साथ आपको राउंडिंग करने आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। चलो तो हमेशा याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम कभी भी ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो 2.3 को मैंने 2.72 से ऐड कर दिया, तो इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मिनिमम देखते हैं डेसिमल के बाद, मिनिमम देखते हैं। ठीक है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम टोटल मिनिमम देखते हैं, मतलब 2.72 मल्टीप्लाइड बाई 7.532। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर मैं इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई किया तो इसके पास टोटल मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें सोल्यूशन में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर काम करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब 9.99 में हमें माइनस करना है 0.00099 माइनस करना है। तो एक बच्चा ये है इसको माइनस करेगा, वो उसको बोलते हैं हार्ड वर्क। एक बच्चा है इसको माइनस करेगा, घटाएगा, अपना टाइम लगाएगा, फिर सोल्यूशन निकालेगा। और एक बच्चा जो स्मार्ट है, ठीक है, जो जिसको थोड़ी सी बुद्धि है और जो अपने कॉमन सेंस को यूज करता है, तो वो कहेगा मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे देखने से लग रहा है कि इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें डेसिमल के बाद भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब मैं घटाऊंगा तो जो सोल्यूशन बनेगा इन चारों में से, उसके बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी यार। तो ये जो है, ये देखो, डेसिमल के बाद इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कभी सही नहीं हो सकता। डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कभी सही नहीं हो सकता। डेसिमल के बाद इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद इसमें 3 है, ये भी कहीं सही नहीं हो सकता। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर जो इसको घटाओगे तो घटाने के बाद ये मिलेगा 9.9801। अब घटा लेना, अब ये डेसिमल के बाद देख रहे हो, डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि हमारे रूल के अगेंस्ट है। हमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2, तो सोल्यूशन में डेसिमल के बाद 2 ही रखना, मतलब हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो जब इसको ड्रॉप करेंगे तो 9.8 फाइनल सोल्यूशन होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है,
चलो तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि एक मेजरमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, 2019 में आया था, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया हुआ है, जब परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो एक्स में कितना परसेंट का एरर आएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स में कितने परसेंट का एरर आएगा तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो इसको ना कर पाए, तो डेल्टा एक्स में परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इन सभी में परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, ए में परसेंटेज एरर 2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, 2 सामने आ जाता है, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो हम लोग थ्योरी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसको आप, तो जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, और जो हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि जो एरर होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, एडिशन एडिटिव नेचर का होता है, वो ऐड होता है यार, तो अब ऐड होता है तो इसमें सब अब मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा, तो अब ये है सबकी वैल्यू डालो यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा 1 में और 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ इधर। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज एरर 1 1 1, ठीक है, प्लस 1/2 और इसमें परसेंटेज एरर 2, प्लस 1/3 इसमें परसेंटेज एरर 3, प्लस 3 इसमें परसेंटेज एरर 4 है। ठीक है, तो ये और साथ साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर आ गया, ये 2 ने 2 को, 3 ने 3 को, 4 3 12, 12 4 16, ठीक है, 12 और 12 4 16, ठीक है, 16% आ गया। तो ये 16% इसका सोलूशन आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये देखो एक आसान क्वेश्चन था यार। ठीक है, इसको जो बोला जाता है वो एक इजी क्वेश्चन है, इसको जो भी बच्चा डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहा है वो इसको कर ही सकता है यार। ठीक है, चलो ये जो ये भी देखो स्क्रू गॉज का 2018 में आया था, ये एक स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। तो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन, इसको करने के लिए आपको फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि आपको स्क्रू गॉज पढ़े होगे तभी कर पाओगे, कुछ उसके फार्मूले पढ़े होगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होगा यार। ठीक है, तो ये स्क्रू गॉज का है, इसमें ये कहता है कि पहले जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट मेजर द स्मॉल स्टील बॉल और यूजिंग द स्क्रू गॉज जिसकी लिस्ट काउंट LC दी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो जो LC है, लिस्ट काउंट है, वो 0.0001 सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, 0.01 सेंटीमीटर है। और मेन स्केल डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन है उसको MSR बोला जाता है, मेन स्केल रीडिंग MSR 5 मिलीमीटर है। तो अगर 5 मिलीमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखते हैं। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड 25 डिवीजन से कोइंसाइड करता है। ठीक है, एंड जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रिफ्लेक्ट 25 डिवीजन से सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है। सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 से कोइंसाइड करता है ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है यार। ठीक है, रेफरेंस लेवल स्क्रू गॉज जो एरर है, स्क्रू गॉज में जो एरर है वो माइनस में दिया हुआ है, ध्यान देना एरर है तो माइनस में दिया है 0.0004। ठीक है, 0.004 सेंटीमीटर है। तो अब कहता है करेक्ट रीडिंग ऑफ द डायमीटर, तो करेक्ट रीडिंग ऑफ डायमीटर जो होगा वो कौन सा होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डायमीटर ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉल जो होता है वो होता है MSR प्लस CSD मल्टीप्लाइड बाई LC लिस्ट काउंट माइनस एरर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, और अगर इस फार्मूले को स्क्रू गॉज में अगर तुम इसको लगाओगे तब तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये मेन सर्कुलर स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग,
मल्टीप्लाइड करो लिस्ट काउंट से माइनस एरर। अब सारी वैल्यू जो ऊपर लिखे हो इसमें डाल के कैलकुलेट कर लो। ये जो क्वेश्चन था वो स्कूली डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे ये तो फार्मूला याद रहता, जिसको याद है वही कर पाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट MSR कितना है बोलो, तो ये है 0.5। ठीक है, और प्लस CDS कितना है 25, और लिस्ट काउंट कितना है इसका, लिस्ट काउंट 0.00001 है, और माइनस एरर, माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, तो ये हो गया प्लस और 0.04। अब इसको पूरा अगर कैलकुलेट कर लोगे तो देखो इसको पूरा कैलकुलेट करना 5.29 आएगा, 0.529, मतलब डी ऑप्शन सही है, इतना सेंटीमीटर, ये द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको मतलब बेसिकली जो है थोड़ा सा अगर आप पढ़े हो तभी कर पाओगे इसको। चलो, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन यू फॉर्मेट सी कैपिटल जी, और ये अब देखो एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाया। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं, उसमें सी कैपिटल जी और इसकी वैल्यू वो हमें दी हुई है यार। ठीक है, मतलब वो हमें ए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब जो हम फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं वो लेंथ का डायमेंशन रखता है। ठीक है, अगर वो लेंथ का डायमेंशन रखता है तो एक तो तरीका यह है कि और उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी यार। ठीक है, तो सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसमें से कौन सा वो क्वांटिटी है जो आप लेंथ बना रहे हो, समझ रहे हो? आपने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया जिसकी डायमेंशन लेंथ है, तो एक ऑप्शन ये, एक करने का तरीका है कि सबका डायमेंशन चेक कर डालो, चारों ऑप्शन का डायमेंशन चेक कर रहा, जिसका डायमेंशन लेंथ होगा वही वो फिजिकल क्वांटिटी है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि जो जैसे हम करेंगे कि हमको पता है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, कोई नई क्वांटिटी बनाना है जिसका डायमेंशन ऑफ लेंथ है जो डिपेंड करती है किसके, सी की पावर एक्स कैपिटल जी की पावर वाई और साथ साथ ई स्क्वायर प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर एक्स वाई जेड। ये अब यहाँ से दूसरा तरीका है कि यहाँ से मैं एक्स वाई जेड कैलकुलेट करूँ और फिर उनकी वैल्यू ला के यहाँ पर रख दूँ तो वो एल मुझे दिखने लगेगी। ठीक है, तो पहला तरीका लेंदी है यार, हर ऑप्शन को चेक करना लेंदी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है लकी होते हैं हम लोग। ठीक है भैया, लकी की चारों चेक करना, एक ही को चेक कर लो, एक मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअल प्रोसेस ये है। ठीक है, तो अब मुझे एक्स वाई जेड निकालना है तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं सबका डायमेंशनल फार्मूला रखूंगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-1। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसे निकालोगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू Gm/r² होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़े हो तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी के Gr² / m, दैट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा L² और जी क्या है, एक्सलेशन, एक्सलेशन का क्या होता है LT-2 और मास का हो गया m, तो ये आ जाएगा m^-1, L^3 और T^-2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया और कैपिटल जी भी पता चल गया। अब बचा मेरे पास 1/E² 4π/ε₀ का क्या होगा, अब कुलाम्स लॉ पढ़े होगे कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज 1/4π/ε₀ चार्ज Q1/Q2/r का स्क्वायर होता है, वहीं से ये आएगा। ठीक है, वहीं से ये आएगा, मतलब ये जो है, अब ये जब अगर चार्ज बराबर है तो E² और 4π/ε₀ और ये आ जाएगा Fr², तो इसका डायमेंशनल फार्मूला Fr² के इक्वल होगा। फोर्स का हम लोग का याद है MLT-2 और ये R जो है लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ L का स्क्वायर, तो बेसिकली अब मुझे मिलेगा ML^3 और T^-2 ये। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज का रखना नहीं है यार। ठीक है, और साथ साथ फोर्स का हो गया MLT-2 और लेंथ का हो गया L², तो ML^T ये। अब ये सारी जो वैल्यू है ले जाके मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरा
ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन में मैं रखूंगा, तो एल जो होगा वो डाइमेंशनल कांस्टेंट ले लेते हैं, बाद में इसको हम मतलब लिख देंगे। तो सी, सी का हो गया बोलो एल टी माइनस सी का, सी का हम लोग निकाले यहाँ पे, बोलो सी का हम लोग कैलकुलेट किए, सी का जो हो गया वो आ जाएगा एल टी माइनस वन, और इस पे जो पावर है दैट इज एक्स, ठीक है। और सी और जी, कैपिटल जी, जो कैपिटल जी आया उसका डायमेंशनल फार्मूला एम की पावर माइनस वन, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यू और टी की पावर माइनस टू, ठीक है, क्लियर है। और साथ साथ जो, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लाए वो ये है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू एल की पावर थ्री है, दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये वाई है, ठीक है, एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री और ये, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं, इधर इस इधर डायमेंशन रखो, इधर रखोगे तो इधर आएगा एम नॉट एल नॉट, एम नॉट एल और टी नॉट, ठीक है, इधर और इधर एल, और इधर की एल एल को एक साइड करो, एक एल यहाँ है एल की पावर एक्स, और एक एल यहाँ है थ्री वाई, और एक एल यहाँ है, ठीक है, और वो भी है थ्री जेड के इक्वल है। एम एल एल एम का देखो, एम एक एम यहाँ है माइनस वाई, और एक एम यहाँ है प्लस जेड, और टी का देखो, टी का यहाँ पे माइनस एक्स है, और यहाँ पे टी का माइनस टू वाई है, एंड यहाँ पे माइनस टू जेड है, ये वाली चीज़। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा इसको, इसके साइड पावर इक्वेट करते हैं, एल की पावर कितना है, इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन आ गया, और ये एम की वैल्यू बोलो तो माइनस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और टी माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ हमें मिल गया एक्स वाई जेड, ये अब इनको हम सॉल्व करेंगे और ले जाके वहाँ पे रखेंगे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से मुझे मिल जा रहा है कि जेड की वैल्यू वाई के इक्वल है, यार जेड वाई के इक्वल है। तो अगर जेड वाई के इक्वल है तो यहाँ से जेड और वाई इक्वल है तो माइनस एक्स और माइनस जेड और वाई इक्वल है तो माइनस फोर वाई दैट इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। या नहीं तो जेड और वाई के इक्वल है तो इसमें एक और यहाँ यहाँ भी देखो इसमें भी डाल दो, जेड और वाई अगर आपस में इक्वल है जेड और वाई तो थ्री थ्री सिक्स, तो ये आ जाएगा एक्स और ये सिक्स वाई दैट इक्वल टू वन। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाने के बाद ये टू वाई दैट इक्वल टू वन, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, क्लियर है भाई, y की वैल्यू वन बाई टू हमें दिखने लगी। चलो y की वैल्यू अगर वन बाई टू दिखने लगा तो z की वैल्यू भी तो वन बाई टू होगा, वन बाई टू ही होगा, क्लियर है एक्स वाई। अब ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी, चलो थोड़ा सा यहाँ, चलो x की वैल्यू यहाँ से x प्लस और थ्री, वाई की वैल्यू वन बाई टू है प्लस थ्री, और जेड की वैल्यू भी वन बाई टू है दैट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ कि थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, तो एक्स प्लस ए सिक्स बाई टू दैट इज सिक्स बाई टू इज इक्वल टू वन, सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री, मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी और वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, है ना। चलो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये लंबा सवाल था, टाइम कंज्यूम हो गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और वाई और जेड वन बाई टू, तो जब यहाँ पर रखोगे तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा एक्स इज इक्वल टू, जो एल का फार्मूला बनेगा वो बनेगा, हाँ यहाँ पे जो यहाँ पर रखोगे एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू रखोगे तो सम कॉन्स्टेंट सी की पावर माइनस टू और जी की पावर वन बाई टू और ई और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर ये आ जाएगा 1 बाई टू। तो अगर ये 1 बाई टू है तो ये रूट के रूट में आ जाएगा और रूट में आ जाएगा तो ये बनेगा 1 अपन सी स्क्वायर, 1 अपन सी स्क्वायर और कैपिटल ई अपन कैपिटल जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
की पावर 1/2, तो 1/c² देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 1/c² ईजी 4πε0, ठीक है, ईजी का स्क्वायर था ना, तो ईजी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा, तो बेसिकली ईजी 4πε0 c² मतलब ये कि हम लोग का डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। लंबा सवाल था, कैलकुलेशन था, कुछ ज़्यादा था नहीं, बट दैट वाज द लेंथी। अब मैं आपको दो प्रोसेस बताया, अब दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हो। ये सवाल देखो, ये भी उसी का भाई है यार, ये उसी की फैमिली से है।